जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर अब NSA एक्ट लगाया गया है। इससे पहले भी काफ़ी सारे उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुके हैं और अब काफ़ी उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए NSA लगाया जा चुका है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। NSA क्या होता है, कैसे लगता है और इससे बचने के क्या उपाय है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अंत तक देखते रहें। NSA लगा है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा और क्या मनीष कश्यप NSA से बच सकते हैं और कैसे बचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को लागू किया गया था। सरकार को, किसी भी देश के सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ताकि उस देश की सुरक्षा को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, वहाँ की सरकार को ज़्यादा पावर देने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था 1980 में। इसलिए इसे 1980 एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत फर्स्ट ऑफ ऑल NSA ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा, वहाँ की कानून व्यवस्था और राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों के बढ़ने की आशंका है, या उस देश की सुरक्षा को खतरा है, वहाँ के कानून को तोड़े जाने की खतरा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर NSA लगाया जाता है। NSA के तहत स्पेशल एक्ट है जो कि अन्य एक्ट से काफ़ी डिफरेंट है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर NSA एक्ट लगाया जाता है तो उसे तुरंत ही 3 महीने के लिए उसे जेल में बंद किया जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए उसे कम्प्लीटली जेल में डाला जा सकता है और 12 महीने तक उसे कोई भी बेल नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सरकारें एक साथ चाहे तो एक्शन ले सकती है। और सरकार को इतनी छूट दी गई है कि उस पर लगाए गए आरोप के किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को मीडिया में या किसी भी जनता को दिखाने या प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है NSA एक्ट। जनरली आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 1 के तहत अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो वो अपने आरोप के खिलाफ फाइट करने के लिए किसी वकील को हायर कर सकता है। ये सुविधा, ये प्रिविलेज CRPC सेक्शन 50 के तहत भी दी जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर NSA लागू होता है उसे ये प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है, वो किसी भी वकील को हायर नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अपने आप में अहम और एक खतरनाक एक्ट है। जिसके ऊपर भी NSA एक्ट लगता है वो RTI के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता है और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है और उसे रिमांड पर रख सकती है और 12 महीने के लिए उसे जेल भी भेज सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम और एक खतरनाक एक्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, मनीष कश्यप के ऊपर NSA एक्ट लगाया गया है। तो इसकी सुनवाई 21 अप्रैल, इट मीन्स टुमारो, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिमांड है कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं सभी को एक साथ कंपाइल किया जाए ताकि डिसीजन लेने में सहूलियत हो। तो तमिलनाडु और बिहार में जितने भी डिफरेंट केसेस इनके ऊपर लगाया गया है सभी को एक साथ कंपाइल किया जाएगा और कल इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, NSA की अगर इतिहास की बात करें तो आउट ऑफ 100% 92% लोगों को सज़ा नहीं मिली है NSA के तहत। बिकॉज NSA के तहत अगर किसी के ऊपर NSA एक्ट लगता है तो उसे उसके खिलाफ प्रूफ की ज़रूरत होती है, उस प्रूफ को साबित करना पड़ता है। तो 92% लोग इसके तहत सज़ा नहीं काटे, ओनली 8% लोगों के खिलाफ ही साबूत इकट्ठा हो पाया और कोर्ट ने सज़ा सुनाया है। तो उम्मीद है कि मनीष कश्यप के खिलाफ जितने भी ये केसेस कंपाइल किए गए हैं उनके खिलाफ कोई साबूत इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा, यदि वो सही है तो उम्मीद है कि कल के डिसीजन में कुछ अच्छा निर्णय मिलेगा और मनीष कश्यप जल्द से जल्द रिहा हो। इस तरीके से न्यू वीडियोस एंड अपडेट्स लेने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल ई माइंड के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।